आज हम लोग पनीर पकौड़ा बनाएंगे। उसके लिए हमको चाहिए हाफ कप बेसन लेंगे, 1 टेबल स्पून हम लोग कॉर्नफ्लोर लेंगे, थोड़ा सा मसाले में इसमें थोड़ा सा भुना जीरा डालेंगे, थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन से गैस नहीं होता इसलिए अजवाइन देते हैं, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा सादा नमक, थोड़ी सी हल्दी, एकदम थोड़ी सी, ज्यादा देने से उसका कलर डार्क हो जाएगा। इसको हम लोग मिक्स करेंगे, बैटर बनाएंगे। बैटर थोड़ा थिक होगा, फ्लोइंग नहीं होगा। बैटर ऐसा ही होगा, इससे ज्यादा फ्लो ही नहीं होगा, पतला नहीं होगा। ये अच्छे से उस पे कोट होगा पनीर पे। अब इसको हम लोग 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, तब तक हम लोग चटनी पीस लेते हैं। चटनी के लिए हम लोग को चाहिए धनिया पत्ता, थोड़ा सा पुदीना पत्ता, 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, थोड़ी सी भुजिया, और ये गाठिया रहते हैं ना भुजिया में, ये डाल देंगे। नमक टेस्ट के हिसाब से, एक बार इसको पीसते हैं, फिर इसमें पानी कंसिस्टेंसी देख के डालेंगे, और लेमन। चटनी हमारी पीस गई है, इसमें थोड़ा लेमन देके एक बार और चला देते हैं। लेमन हम अपने टेस्ट के हिसाब से दे सकते हो, ज्यादा खट्टा चाहिए तो दे सकते हो ज्यादा। मैं 1 लेमन डाल रही हूँ। हमारी चटनी रेडी हो गई है, बस इसको साइड रखते हैं, बैटर चेक करते हैं। इसमें 1 चम्मच हम लोग पानी देंगे, ज्यादा नहीं देंगे, 1 चम्मच केवल देंगे। बस हमने कॉर्नफ्लोर दिया ना थोड़ा सा, इसलिए वो पानी थोड़ा टाना है, ठीक है। अब हम लोग ऑयल चढ़ाते हैं। पनीर मैंने पीसेस में काट लिया है, ये घर का पनीर है। इसमें थोड़ा सा मैं नमक डाल देती हूँ, ताकि ये ब्लेंड एकदम बिना सादा सादा नहीं लगे पनीर, ठीक है। हम लोग ऑयल चढ़ाते हैं। देखिए हम ऐसे डालते हैं, इसको ऐसे लेके उल्टा करके फिर इसमें डालेंगे। ठीक है, ऐसे लेंगे, ऐसे देंगे, डालेंगे उसमें। ये डिमांड मेरी मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर का है,
उसने मेरे बहुत प्यार से मुझे ये किया कि मेरे लिए पनीर पकौड़ा बना के दो वीडियो बनाओ, इसलिए मैं उसके लिए बना रही हूँ ये। इसी बैटर में हम लोग गोभी पकौड़े भी बना सकते हैं। ये फूल गोभी है, मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है इसको। इसी बैटर में इसको डिप करके फ्राई करेंगे। देखिए, ठीक है, गोभी पकौड़े थोड़े से गैस सिम भी करेंगे क्योंकि अंदर तक पकाना पड़ेगा, क्योंकि पनीर तो ऑलरेडी हमारा सॉफ्ट होता है, उसको ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं होती, बट गोभी को थोड़ा सा पकाना होगा, इसलिए इसको सिम पे रखेंगे, कम पे। गोभी हम लोग का पकौड़ा हो गया है, निकाल लेते हैं इसको भी, गैस ऑफ करते हैं। इस पे थोड़ा सा हम लोग चाट मसाला डालेंगे, इस पे चाट मसाला बहुत टेस्टी लगता है।